इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पीपल वी वेयर डीलिंग विद केमिकल काइनेटिक्स. तो इंटीग्रेटेड मेथड में हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे. ठीक है, आप बायो के स्टूडेंट हो या मैथ्स के, डजंट मैटर, जितना आपका प्रूफ आता ही आता है. ठीक है, मतलब जनरल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली सबको आना चाहिए, वो आपके थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स में आएगा ही. ठीक है, ओके. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब यहाँ पे आपका क्या हुआ, रिएक्शन से मतलब ये रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट. तो अगर आपने सी आर माना, किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है आपका सी आर. तो रेट आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आर रेज टू एन होता है. फर्स्ट ऑर्डर में एन की वैल्यू कितनी है भाई साहब, वन. तो आपका रेट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सी आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. मतलब जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ठीक है, so rate will be proportional to, rate will be equal to k into CRN where k is the rate constant. ठीक है, ये आपका भाई साहब rate constant है. for first order reaction n की value बाबू कितनी, तू बेटा कहीं और ही है, हूँ बाप रे, मतलब कहीं अभी, अच्छा हम मून पे अभी और पे लैंड कर रहे हैं. हाँ, ये लक्षण कुछ खराब लग रहे हैं, कुछ बड़ा ही कुछ चल रहा है आपके जीवन में, है ना. बाबू सुधर जा भाई. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 1. अभी तो उसने बोला, उसने n इज इक्वल टू 1 बोला, अभी तू बोलो अच्छा n इज इक्वल टू 1. तो रेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, k cr, n की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी हो गई, 1. ठीक है, आज की शाम बाबू के नाम पर सारा सवाल अब तेरे से करने वाला हूं मैं. ठीक है, तो माइनस डी सी आर बाई डी टी ये कितना हो जाएगा, बता बता जल्दी बता. कुछ चल रहा है जीवन में, हाँ थोड़ा सा होल्ड कीजिए ना उसको, 6-7 महीने उसके बाद फिर से इनिंग्स चालू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. अभी थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए भाई साहब, क्योंकि अभी भाई साहब सर पे तलवार लटक रही है. डी सी आर बाई डी टी, ठीक है, जो आपकी है वो आपकी हो ही रहेगी, वो आप 2 साल बाद भी मिलेंगे तो भी हो रहेगी, जो नहीं है वो 2-3 महीने में भी नहीं रहेगी या 10 साल बाद भी नहीं रहेगी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई साहब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए. तो 6-7 महीने अगर आप थोड़ा सा दूर रहेंगे या कॉन्टैक्ट लेस रहेंगे, और आपकी गाड़ी यहाँ पे पहले संभलनी चाहिए. डी सी आर बाई डी टी भाई साहब क्या हो जाएगा बताइए फटाफट. रेट इज माइनस डी सी आर बाई डी टी, तो कितना आ जाएगा, डी सी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ऑफ सी आर. अरे भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ तेरे को कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा. रेट मतलब ही तो क्या होता है, रेट मतलब ही क्या होता है भाई साहब, माइनस डी सी आर बाई डी टी होता है, उसकी जगह पे तो माइनस डी सी आर बाई डी टी लिखे, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना था, के सी आर ही लिखना था. ठीक है, सो अभी इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई साहब. ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा भाई साहब, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का, 1. तो आपका डी सी आर माइनस डी सी आर बाई डी टी, तो माइनस भाई साहब बाहर, डी सी आर बाई सी आर इज इक्वल टू के डी टी. क्यों ऐसा कर रहे हैं, तू तो मैथ्स और बायो दोनों का भी स्टूडेंट है भाई साहब, सूर्य कुमार यादव है भाई साहब, 360 डिग्री है तेरा भाई साहब पूरा. चलो भाई साहब फटाफट, और उसका भी यादव ही है ना, सूर्य कुमार यादव. अरे बाप रे, देखो भाई साहब बोलो जल्दी. अरे सर बल्ला पकड़ा दो तब बताएं हम, है ना, डी सी आर बाई डी टी है देखो यहाँ पे. ठीक है, तो इसको पहले ही अरेंज कर लो. देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में मतलब होती है कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम मतलब जो सेम कास्ट का होगा उसका इंटीग्रेशन होगा, है ना. तो अभी तो यहाँ पे डी सी आर क्या था आपका, डी सी आर बाई डी टी भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया माइनस डी सी आर बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी थी के. इसको इंटीग्रेट करने के पहले भाई साहब इस डी टी को इधर लेकर जाओ. ठीक है, और यहाँ पे कितना था, के इंटू सी आर था, है ना, के इंटू सी आर था. इस सी आर को इधर लेकर आओ. ठीक है, सेम प्रजाति के भाई साहब आ गए इधर. ठीक है, क्योंकि आप डी टी के हिसाब से डी सी आर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अभी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. सो दिस विल बी हाउ मच, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई साहब, के बाहर तो सी आर डी सी आर, तो ये हो गया कितना, एल एन सी आर. एल एन सी आर मतलब लॉग क्या,
लॉग क्या? बेस क्या? सी में एल एन मतलब क्या है? प्योर लॉग। अच्छा भाई साहब, प्योर लॉग मतलब देसी शुद्ध घी वैसा। क्या क्या लॉग बताओ ना फिर। लॉग नहीं नहीं तुम अभी छोड़ना ही नहीं है भाई साहब, अभी तुम ही बताओगी। प्योर लॉग, ये लॉग, वो लॉग, इतना सब कुछ बोल रही हो भाई साहब। एल एन लॉग, हाँ बोलो ना आगे। बेस टू एन मतलब क्या होता है भाई साहब? लॉग बेस एन मतलब क्या होता है? तुम्हारा लॉग टेबल किसके बेस में है? 10 के बेस में है। ये जो एल एन है वो किसके बेस में है? हाँ हाँ, अरे चाची, एल एन मतलब क्या होता है? लॉग। लॉग क्या? लॉग कुछ भी रहेगा यहां पे भाई साहब। लॉग सी आर है, एल एन सी आर लिख रहा हूं ना मैं, तो इसका मतलब क्या होगा? लॉग सी आर। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये वाला बेस कितना होगा? 10 नहीं होगा, इट विल बी ई। ठीक है, इट विल बी ई। डिफ्रेंसिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, जो आपका लॉग होता है वो हमेशा बेस ई का होता है। यहां पे आपने क्या किया भाई साहब? देखो यहां पे क्या किया तुमने, dx by x किया ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx by x कितना आता है? log of x। ठीक है, log of x। अभी और दो मिनट में तेरे को आगे बिठाऊंगा मैं, सुधर जा। ठीक है, तो dx by x ये कितना हो जाएगा भाई साहब? log x। ठीक है, ये जो log x तुम लिखोगे ये बेस 10 नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन का रिजल्ट है और इंटीग्रेशन में हमेशा भाई साहब आपका log बेस ही होगा। इसी को हम क्या लिखते हैं? lx। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल समझ में आता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? डी सी आर बाई सी आर है, तो लॉग यहां पे क्या हो गया? दिस विल बी हाउ मच पीपल? दिस विल बी लॉग बेस ई सी आर। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस एल एन सी आर इज इक्वल टू के। डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी टी मतलब डी एक्स। डी एक्स का क्या आता है भाई साहब? आपका एक्स, तो इसका कितना आ जाएगा? के टी। क्लियर है? तो इसका मतलब कितना आ गया भाई साहब? एल एन CR की वैल्यू आ गई माइनस के टी। क्लियरम 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 पीपल? और ये कहां से आया यादव जी? क्या ये कहां से आया? हाँ, एन की नहीं नहीं नहीं, वो वन नहीं है। वो कौन से हिसाब से वो वन लग रहा है भाई साहब? वो आई है, वन नहीं है वो। एन का अगर एन होता भी तो एन वहां पे क्यों आएगा? कोई कोई मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पे तुम देखो इसका तुमने, अरे भाई साहब देखो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इंटीग्रेशन कर रहे हो। इंटीग्रेशन में जिसको भी समस्या है उसके लिए बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो ये डी एक्स बाई एक्स है ऐसा वाला, और इसका आंसर कितना आएगा? एक्स, सिर्फ एक्स आएगा, प्लस सी आएगा। चलिए कॉन्स्टेंट आ गया प्लस सी। ठीक है, जैसे सी वन लिखा हमने इसको। इधर कितना है तुम्हारा? के डी टी है, तो इसका भाई साहब अगर मैंने सी आर किया है और इधर सी आर है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? सी आर प्लस लेट्स से सी वन। हमेशा भाई साहब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको दहेज में एक कांस्टेंट मिलता ही मिलता है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपका कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ऑलवेज कांस्टेंट। इनडेफिनेट और डेफिनेट क्या होता है सूर्य कुमार? हाँ, किसमें? डेफिनेट में लिमिट्स है, मतलब वो सांप के ऊपर नीचे कुछ रहेगा, ऊपर भी एक रहेगा नीचे भी एक रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब, तो इधर क्या हो जाएगा भाई साहब? डी टी कर रहे हैं आप, तो डी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? के टी आ गया। इसका भी एक कांस्टेंट होगा, लेट्स से सी टू। समझ में आता है भाई साहब? समझ में आता है, इसका भी एक कांस्टेंट होगा। तो अभी कांस्टेंट का कोई भाई साहब माँ बाप नहीं है, क्या मतलब किस क्या खेले हम उससे? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब? इधर हमने किया कितना? दिस विल बी लॉग ऑफ सी आर। ठीक है, तो ये हो गया लॉग ऑफ सी आर बेस ई प्लस सी वन। इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? के टी प्लस यहां पे हो गया आपका सी टू, ये माइनस में है। इस सी वन को उठा के भाई साहब इधर डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो ये सी टू माइनस सी वन का दूसरा एक कॉन्स्टेंट लिख दिया हमने, क्या आई? समझ में आ रहा है ये सी टू माइनस सी वन, क्योंकि हमको मालूम नहीं है भाई साहब क्या है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये सी टू माइनस सी वन का वैल्यू हमने लिख दिया, क्या भाई साहब? आई। यहां पे हो गया भाई साहब के टी माइनस एल एन सी आर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? LNCR is equal to minus KT plus I. Is this understood, people? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, here I integration constant। ठीक है, वो आजकल क्या चालू किया है ना, वो
मतलब आप जब भी जीपे करते हो तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। अमिताभ बच्चन का कुछ तो एक वॉइस आता है ना उसमें, हमने इतना पैसा ले लिया, मतलब इतना पैसा जमा हो गया। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होना चाहिए ना, आपने कोई एक सवाल बोला तो वाह वाह ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग, शायद कुछ मोटिवेशन आया आपके अंदर। वरना ये जो सुस्तड़ चेहरे दिख रहे हैं इनका तो भाई साहब जर्नी मेरे को 2 महीना भी नहीं दिख रहा है, 6 महीने पड़े हैं आपके पास। I is equal to क्या हो गया, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एट टाइम t is equal to 0। अगर टाइम आपका भाई साहब 0 है मतलब क्या, एकदम स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में, मतलब अभी रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ है। ठीक है, क्या लिखोगे भाई साहब यहाँ पे, बला 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 जल्दी से बला फटाफट। अरे टाइम t is equal to 0 है, बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगा आज का, जल्दी 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 इक्वेशन बताओ यार, जल्दी जल्दी फटाक से। टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तुम्हारा कोई भी चीज यहाँ पे t से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है नहीं, सीधा सीधा वही लिख दो भाई साहब, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, दिस विल बी एल एन सी आर विल बी इक्वल टू माइनस के इन टू 0 दैट इज 0 प्लस आई। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, एल एन सी आर। इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, एल एन सी आर दैट इज लॉग बेस ई सी आर। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो दिस विल बी लॉग बेस ई सी आर। ठीक है, क्लियर है, दिस इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो ये हमेशा आपको लगाना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू बेसिकली फिक्स इट। तो टाइम टी इज इक्वल टू 0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सी नॉट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अबव वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड, तो क्या हो जाएगा, ठीक है लॉग सी इन 0। ठीक है ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग सी आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग, तो लॉग सी आर बाई सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, या हम के को क्या लिख सकते हैं, 1/t log c नॉट बाई सी आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया। By converting logarithm into that of base 10, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, log base 10 को अगर हम log base 10 में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2.303 से भाई साहब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसकी बिरादरी को चेंज कर रहे हैं, 2.303t log c नॉट बाई सी आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझा क्या ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब बोला ना बोला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या बना रहा है भाई साहब, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू, तो मतलब सी आर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, रेज ओके, तो आपका देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम देख रहे थे भाई साहब, यहाँ पे आपका कोई आपका रिएक्टेंट है, सो दिस इज बेसिकली अ रिएक्टेंट एंड दिस इज फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट कोई है आपका सी आर, इसका कॉन्सेंट्रेशन है भाई साहब सी आर। ठीक है ओके, तो रिएक्टेंट है आपका, ये प्रोडक्ट बना रहा है, हम बोल रहे हैं कि भाई साहब ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1। तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड होता है कॉन्सेंट्रेशन सी आर और ये होता है n, ये फॉर्मूला है भाई साहब रेट लॉ का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू n। ठीक है ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर रिएक्टेंट अपॉन डी टी। यहाँ पे माइनस किस वजह से लग रहा है, माइनस आपका इस वजह से लग रहा है क्योंकि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होता रहेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपका कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता रहेगा। ठीक है, दिस इज रिएक्शन कॉन्स्टेंट के सी आर, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1 हो गई है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस डी सी आर अपॉन सी आर इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, मतलब हमने बिरादरी को सेम कर लिया, डी सी आर अपॉन सी आर और उधर चला गया आपका के डी टी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंटीग्रेटिंग दिस पीपल, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट्स में ऐड करना। आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भाई साहब हर इंस्टेंस पे चेंज हो रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली चेंजिंग, आपका हर टाइम जो जाता जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी जा रहा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज हो रहा है। तो हम ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स में अगर ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरफ इंटीग्रेशन कर दिया हमने भाई साहब, यहां हो गया आपका डी सी आर बाई सी आर, और इधर इंटीग्रेशन कर दिया भाई साहब तो इधर हो गया आपका के डी टी। ठीक है, इधर हो गया आपका के डी टी ओके। आपका भाई साहब इंटीग्रेशन में
डी एक्स बाई एक्स कितना होता है, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स होता है भाई साहब, ठीक है। ये लॉग क्या हो जाएगा, बेस ई, जिसको हम एल एन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विद एल एन एक्स, इट इज नथिंग बट लॉग बेस ई का एक्स है, ठीक है, लॉग एक्स बेस ई है, ठीक है। मतलब आप इसको लॉग बेस 10 में नहीं ले सकते, आप अगर कोई वैल्यू रहेगी ना बेस ई में तो आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप बेसिकली लॉग टेबल को अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू। क्लियर है भाई साहब, समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया भाई साहब आपका लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा बोलो, माइनस लॉग बेस ई सी आर इज इक्वल टू टी, है ना, टी और के तो भाई साहब आपका बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है ये, तो ये हो गया के टी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, बहुत डेंजरस वर्ड है भाई साहब, एक बार जीवन में लग गया ना तो घिसते रह जाओगे, ठीक है, ये कभी ना आए भाई साहब, जो भी करना है करो जीवन में, ये कभी ना लगे, ठीक है, ओके। सो माइनस लॉग बेस ई सी आर, ये कितना हो गया आपका के टी, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो लॉग बेस ई सी आर, ओके, अभी यहां पे देखो, यहां पे लॉग बेस ई सी आर और यहां पे क्या आ जाएगा, एक हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इधर वाले का भी एक कॉन्स्टेंट आएगा और राइट हैंड साइड वाले जो इंटीग्रेशन किया है इसका भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, दोनों कॉन्स्टेंट का हमको कुछ भी नहीं मालूम, तो एक कॉन्स्टेंट को इधर ट्रांसफर कर दो, C2 माइनस C1 हो गया, समझ में आ रहा है। इमेजिनरी कॉन्स्टेंट हमने एक डाल दिया भाई साहब I, क्योंकि दोनों ही तरफ भाई साहब आपका इंटीग्रेशन हुआ है, और क्योंकि इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट जनरेट होता है, तो लेट से भाई साहब इसका कॉन्स्टेंट आया होगा C1, इसका कॉन्स्टेंट आया होगा C2, इस C2 को, इस C1 को इधर ट्रांसफर करो, तो C2 माइनस C1 हो गया, ये दैट विल बी अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया आपका क्या भाई साहब, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, क्लियर है, क्लियर, 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 आर बी क्लियर ऑन दिस वन। तो लॉग बेस ई, तो अगर आपका यहां पे क्या है भाई साहब, शाबाश, ठीक है, अगर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, तो टाइम टी इज इक्वल टू अगर जीरो है, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, तो माइनस लॉग बेस ई सी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के बराबर। टाइम टी हो गया जीरो, तो के इंटू जीरो कितना हो गया भाई साहब, जीरो, और आई, तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, लॉग बेस ई सी आर, क्लियर है। इसी को हम भाई साहब मेन इक्वेशन में सब्सिट्यूट करते हैं, तो मेन इक्वेशन आपका ये है, ठीक है, सो दिस विल बी माइनस लॉग बेस ई सी आर, ठीक है, लॉग बेस ई सी आर, और यहां पे हमने सी आर को देखो सी नॉट ले लिया है, सी नॉट ले लिया, मतलब क्यों, क्योंकि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी नॉट आपका क्या है, सी नॉट इज बेसिकली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ई सी नॉट, क्लियर है, ओके। तो इसी रिएक्शन को अगर हम देखते हैं भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, माइनस लॉग ई सी आर विल बी इक्वल टू के इंटू टी, ठीक है, और आई की वैल्यू तुमने क्या निकाली भाई साहब, दिस माइनस लॉग बेस ई सी ओ, क्लियर है भाई साहब, आई की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस लॉग बेस ई सी ओ, क्लियर हम, क्लियर हम, क्लियर पीपल, ठीक है, ओके। अब भाई साहब इसको इधर ले लो, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बोलो, माइनस लॉग बेस ई सी आर प्लस लॉग बेस ई सी ओ इज इक्वल टू के टी, तो क्या लिख सकते हो भाई साहब, लॉग बेस ई सी ओ माइनस लॉग बेस ई सी आर इज इक्वल टू के टी, ठीक है। आंखों में बहुत सपने भरे हैं आपके भाई साहब, पता नहीं किस ड्रीम वर्ल्ड में है। तो लॉग सी ओ माइनस ये कितना हो गया भाई साहब, लॉग ए माइनस बी है, ठीक है, लॉग ए माइनस बी कितना होता है, तेजू एक साल तो मैथ्स निकाला है ना तूने, लॉग ए माइनस बी कितना होता है बता, शर्मा मत, हाँ आंसर बता। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब, ओके, लॉग ए बाई बी, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, लॉग सी नॉट है माइनस सी आर है, तो दिस विल बी लॉग बेस ई सी नॉट बाई सी आर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, के टी, क्लियर है, ये हो जाएगा भाई साहब फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे सी नॉट मतलब
मेरे को तेरे पर पूरा भरोसा है, ये लोग तेरे नाम को उल्टा सीधा बोलते हैं, अरे सर पता नहीं क्या करता रहता है। ओके, सी नॉट क्या है भाई साहब यहाँ पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। सी आर क्या है भाई साहब, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी द कॉन्सेंट्रेशन सी आर। के क्या हो जाएगा भाई साहब आपका रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड टी इज द टाइम दैट हैज इलैप्स्ड, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, आपे बला समझम समझम समझम। ओके ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे, अरे यार उड़ा दिया हमने, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या हो गया, लॉग सी आर माइनस के टी प्लस लॉग सी जीरो। इसको थोड़ा सा ध्यान दो ना, ए, 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 ए। तो यहाँ पे भाई साहब आप क्या लिखते हो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जो देखो कोई भी ग्राफ होता है ना भाई साहब ऐसा, ठीक है, यहाँ पे देखो एम एक्स है, एम मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपने सी को प्लॉट किया है किसके साथ, टी के साथ प्लॉट किया है, ठीक है। तो बताओ मेरे को भाई साहब ये सी ना, यहाँ पे आपने लॉग सी प्लॉट कर दिया, चलो लॉग लॉग ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ सी नॉट मतलब ये हो जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट, है ना, सी आपका क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और आपका लाइन ऐसे ही जाएगा, क्यों ऐसे ही जाएगा बता रहा हूं मैं, क्यों ऐसे जाएगा बताओ, आई सदा लाइन आपका ऐसे ही जाएगा भाई साहब, लॉग सी को आपने टी से प्लॉट किया हुआ है, आपका लाइन ऐसे ही जाने वाला है। और मैं जो आपसे पूछ रहा हूं ये नाइन्थ या टेंथ का सवाल है भाई साहब, वाई, चलो चलो फटाफट, हाँ भाई मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने लॉग सी को इसमें प्लॉट किया हुआ है वाई एक्सिस पे, और आपने टी को प्लॉट किया हुआ है एक्स एक्सिस पे। आपका ये जो ग्राफ होगा एज पर दिस इक्वेशन, एज पर दिस इक्वेशन ये ऐसे ही जाएगा, इसको आप लिख सकते हो लॉग सी नॉट, ये तो आपको दिख ही रहा है भाई साहब वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ कहां पे वाई एक्सिस को काटता है उसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। व्हाट आई एम आस्किंग हियर इज व्हाई वुड दिस बी लाइक दिस, ये तो वाई इंटरसेप्ट बना, चलो ठीक है, ये तो आप इसके साथ कंपेयर करके बता सकते हो कि भाई साहब लॉग सी नॉट आपका वाई इंटरसेप्ट होगा। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि ये ऐसे ही क्यों होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नाइन्थ और टेंथ का आपने थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो इसको आप बता सकते हो। मीनू देवी, हाँ हाँ माइनस के, तो फिर ओके, तो चलो चलो खारगर में टर्न ले लिया है, खारगर से वैसा वैसा टर्न ले लिया है अपने कामोटे के लिए, चलिए फटाफट बताइए माइनस के तो क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या है माइनस के की वैल्यू, ठीक है, माइनस के तो आपका भाई साहब एम का वैल्यू, स्लोप क्या हो गया, स्लोप आपका हो गया नेगेटिव, और अगर नेगेटिव स्लोप होता है तो ये वाला कितना होता है भाई साहब आपका टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, टैन थीटा अगर मतलब ये जो थीटा है दिस थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, टैन थीटा की वैल्यू अगर थीटा आपकी ग्रेटर देन 90 होती है तो टैन थीटा की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, ठीक है। व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज टैन ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज टैन ऑफ द एंगल द स्लोप द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे भाई साहब टैन थीटा है, टैन थीटा आपका नेगेटिव हो गया, थीटा अगर आपका 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा। The above equation is the form of a straight line equation, ठीक है, तो y is equal to mx plus c है, इसी हिसाब से आपका equation आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका, this will be c is the y intercept where the line crosses the y axis, ठीक है, cr versus time, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे cr डाला हुआ है आपने, and this is basically the time, तो यहाँ पे जो ये intercept काट रहा है, इसको value क्या हो जाएगा, this entire value will be how much? LNCO, ठीक है, दिस वैल्यू विल बी LNCO, क्लियर है, ठीक है, स्लोप इज हाउ मच माइनस के, स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के, मतलब अगर मैंने यहां पे ये थीटा ले लिया, ठीक है, सो टैन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू माइनस के, दिस इज बेसिकली द एंगल विच द लाइन इज मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी हमने क्या किया भाई साहब, यहां पे देखो दिस वाज आपका लॉग ऑफ, ठीक है, बेस ई, लॉग बेस ई सी नॉट बाई सी आर इज इक्वल टू के टी, ये हमने किया है ना भाई साहब, दिस वाज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो नाउ इस के की वैल्यू अगर आपको लेनी है तो कितनी हो जाएगी, यहां पे टी को ट्रांसफर करो, वन बाई टी लॉग बेस ई सी नॉट बाई सी आर,
इस लॉग बेस ई को अगर आपको डिसॉल्व करना है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 2.303, ठीक है। तो इसको भाई साहब अगर लॉग बेस 10 पे लेना है आपको तो लॉग बेस 10 कर लिया आपने सी नॉट बाई सी आर, क्योंकि आपका सारा लॉग टेबल जो है वो बेस 10 पे है, नॉट ऑन बेस ई। और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से, तो 2.303 बाई टी। तो ये के कितना हो गया भाई साहब आपका 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 सी नॉट बाई सी आर, क्लियर है। सो दिस इज द इक्वेशन। सो लॉग बेस सी नॉट, इसको आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो भाई साहब। अगर आपने इसका ग्रुपिंग कर लिया तो ये के टी अपॉन 2.303 हो गया, के टी अपॉन 303, ठीक है। सो लॉग बेस सी नॉट बाई सी आर दिस इज, अगर वर्सेस टाइम को अगर हम प्लॉट करें सो व्हाट काइंड ऑफ अ ग्राफ डू वी गेट पीपल, दिस विल बी बेसिकली टी सी नॉट सी आर। क्यों ऐसा ग्राफ मिलेगा भाई साहब, बता सकते हैं व्हाई विल बी गेट? अगर हमने इसको प्लॉट किया, देखो यहां पे लॉग बेस सी नॉट सी थ्री है, के टी अपॉन 2.303 है, ठीक है। किस टाइप का ग्राफ मिलेगा यहां पे, देखो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये के आपका कांस्टेंट और 2.303 ये आपका कांस्टेंट हो गया। यहां पे क्या है लॉग सी नॉट बाई सी आर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब भी दो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनमें भाई साहब आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होता है, इफ लेट्स से ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा ही होगा भाई साहब ए और बी में, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे भी होगा, क्योंकि देखो यहां पे क्या आ रहा है, ये के आपका रिएक्शन कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, 2.303 एज अ वैल्यू इज अ कांस्टेंट, तो दिस एंटायर कांस्टेंट इनटू टी है, मतलब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं लॉग सी नॉट बाई सी आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे सो दिस विल बी लॉग सी नॉट बाई सी आर और ये हो गया टी, ये हो जाएगा भाई साहब आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। आर वी क्लियर, यहां तक भाई साहब समझ में आ रहा है? ओके। सो अगर लॉग सी नॉट बाई सी आर को हमने वर्सेस टाइम किया सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ और इसका स्लोप कितना आ जाएगा भाई साहब, के 2.303। देखो यहां पे इस चीज को देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस सी। अभी यहां पे क्या कर रहे हो भाई साहब, लॉग सी नॉट बाई सी आर इज इक्वल टू के टी, के टी प्लस जीरो लिख सकते हैं, मतलब आपका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऑब्वियसली आप कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे जीरो से, और यहां पे आपका k देखो पॉजिटिव है, जब भी आपका स्लोप नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा भाई साहब, अगर स्लोप आपका पॉजिटिव होगा तो ग्राफ भाई साहब ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है ये? क्योंकि आपके ये वाला जो एंगल है ये आपका अक्यूट होना चाहिए, अक्यूट होगा तो टैन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आपका एंगल जो है तो ऑब्ट्यूज है, व्हाट इज बेसिकली स्लोप, स्लोप इज स्लोप ऑफ अ लाइन इज टैन ऑफ द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ अ लाइन इज टैन ऑफ द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ तीन एंगल्स हो सकते हैं भाई साहब, एक एंगल हो गया जब आपका भाई साहब स्लोप अक्यूट हो, अक्यूट एंगल में आपका टैन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो आपका अगर टैन पॉजिटिव आएगा तो इस तरीके का आपको स्लोप मिलेगा भाई साहब, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में टैन का ऑब्ट्यूज एंगल आपको नेगेटिव स्लोप देता है तो ये आ जाएगा, और आता है टैन 90, टैन 90 की वैल्यू भाई साहब होती है इनफाइनाइट, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस तरह से ये भाई साहब हो जाएगा स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब यहां पे m की वैल्यू हो गई k की वैल्यू के बराबर, ठीक है, k अपॉन 2.303 है ना, दिस विल बी k अपॉन 2, तो ये हो गया आपका m और t के साथ आपने इसको प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अलग अलग तरीकों से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी इक्वेशन से, जो इक्वेशन आपका क्या है भाई साहब, लॉग सी नॉट बाई सी आर इज इक्वल टू के बाई 2.303 टी। अभी आपको पूछ लिया, एक इक्वेशन दे दिया और पूछ लिया भाई साहब किसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, What type of reaction is representing? First order reaction. Answer is first order reaction. ठीक है? Okay. अगर आपसे पूछ लिया कि भाई साहब यहाँ पे what is C not representing? C not is representing the initial concentration. What is K? K is basically the reaction constant. अगर बोला जाए कि भाई साहब इसको ln में हमको base अब base 10 में नहीं चाहिए, base E में चाहिए, तो क्या हो जाएगा reaction? बताओ. तो ये 2.303 हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है? तो ये आपका log KT हो जाएगा, ठीक है? Clear है? Are we clear on this one, people? और अगर आपको पूछा जाए कि भाई साहब इस स्लोप का अगर हम यहां पे लॉग सी नॉट बाई सी आर को प्लॉट करें किसके अगेंस्ट में, टी के अगेंस्ट में, तो किस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको, आप बोलोगे भाई साहब ग्राफ ऐसा मिलेगा जो विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और ग्राफ जो है तो भाई साहब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी
वैसे वैसे इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी या वाइस वर्सा, जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे लॉग सी नॉट बाई सी आर का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। फिर तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा विच विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज हेयर द वाई इंटरसेप्ट दैट इज सी इज इक्वल टू जीरो, वाई इंटरसेप्ट सी इज इक्वल टू जीरो। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। By similar method, as a first order reaction, integrated law for second order can also be calculated. कीजिए जरा, notebook निकालिए एकदम इज्जत बारी में, fresh start, okay, चलिए fresh start, फटाफट। वो आज से एकदम नया नया सब कुछ, हो जूता भी नया, टी शर्ट भी नया, बैग भी नया, ओहो बर्थडे डे तो नहीं है। ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 1 बाई सी टी के टी प्लस 1 बाई सी जीरो, ठीक है। यहां पे 1 बाई सी टी कैसे आएंगे बस आप ये बता सकते हैं? हाउ कैन वी डू दिस? देखो सेम चीज लगाओ यहां पे, ठीक है। आपका यहां पे क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो माइनस डी सी आर बाई डी टी ये कितना हो जाएगा बोलो? के सी आर रेस टू टू, है ना भाई सर? के सी आर रेस टू टू, ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं हम यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया तो दिस विल बी हाउ मच? डी सी आर बाई सी आर का ई सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के डी टी। अभी इंटीग्रेशन कर दो पटाक और ये हो गया भाई साहब इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कैसा है भाई साहब, कैसा टाइप का इंटीग्रेशन है? डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, तो दिस इज एक्स एस टू माइनस टू का इंटीग्रेशन है। मतलब कितना हो जाएगा? एक्स एस टू माइनस टू प्लस वन और ये हो गया माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, है कि नहीं? ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा? माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा आपका। यहां पे भी कितना आ जाएगा? माइनस वन बाई सी आर, है कि नहीं? और इसका एक माइनस पहले से था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब? प्लस हो जाएगा, है ना? माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा? के टी, ठीक है। तो वन बाई सी आर इज इक्वल टू के टी, और यहां पे क्या लिखेंगे हम? प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। अभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एट टी इज इक्वल टू जीरो सी आर की वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब? सी नॉट के बराबर है, तो वन बाई सी नॉट इज इक्वल टू के इंटू जीरो, तो जीरो हो गया आई, ठीक है। तो अभी इसी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? वन बाई सी आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई, दैट इज वन बाई सी नॉट, ठीक है। वन बाई सी आर इज इक्वल टू के टी प्लस वन बाई सी नॉट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? वही है देखो, 1 by CT, KT plus 1 by C naught. Are we clear, clear, clear? बहुत है बढ़िया भाई साहब, ओके। Integrated rate equation for first order reaction, भाई साहब क्या हो जाएगा? First order reaction, integrated rate equation कहाँ आ जाएगा? जाल जैसा बाला ना। What will be the first order reaction? This will be K 2.303 log C naught by CR, ठीक है? Okay. बहुत सही time पे thank you हो गया भाई साहब।